अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल, मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज आपको मिलवाना है एक ऐसे बच्चे से जो तकरीबन 8 साल से चारपाई के ऊपर बीमार पड़ा है। ये बच्चा है एहसान। 1 साल ये बिल्कुल ठीक रहा, अगले साल अचानक इसे कोई पुर इसरार बीमारी लाहक हुई और ये ऐसे हो गया। बच्चे के जिस्म की सारी हड्डियाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं। ये बच्चा उठ नहीं सकता अपनी जगह से, ये ऐसे ही लेटा रहता है और इसके घर वालों के मुताबिक ये बच्चा पूरी रात सोता नहीं है, पूरा दिन सोता नहीं है, कई दिन तक ये सोता नहीं है। क्योंकि ये जब सोता है तो अचानक से इसकी हड्डियाँ खुद ब खुद टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इसे दर्द इतना ज़्यादा होता है कि सोना, नींद का आना नामुमकिन हो जाता है। अभी इसके और इसके घर वाले जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं वो तो यही जानते हैं। बच्चे से मैं थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ, आप ज़रा सुनिएगा कि ये माशाल्लाह बच्चा, इसकी आप बातें सुनिएगा तो आपको इसकी मासूमियत के ऊपर प्यार आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान नाम है आपका? हाँ जी। तो बेटा, ये कब से बीमार हो आप? साल के बाद हो गए थे। अच्छा, तो अभी आप बीमार तो हो, ये आपके सारे जिस्म की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, हाथों की भी, पाँव की भी। अच्छा, तो इसकी वजह से दर्द भी रहता है? ज़्यादा या कम कम? ज़्यादा। अच्छा, तो आप रात को सोते हो या नहीं सोते? नहीं सोते। क्यों नहीं सोते आप? दर्द होते हैं ज़्यादा। ये आप सुने कि बच्चा अपने मुंह से बता रहा है कि ये बिल्कुल सोता ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सोए तो आप हड्डियों की ये कंडीशन, मेरा कैमरामैन आपको बड़े करीब से ये आप इस बच्चे का पूरा आप ज़रा बाजू देखें, ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। आप ये ज़रा देखें इसको। इंसान, मुझे ये बताओ कि आपका बाहर जाने को, खेलने कूदने को दिल करता है? तो दोस्त बनाए हुए हैं जो आपसे मिलने घर आते हैं या नहीं? आते हैं मिलने। क्या कहते हैं वो कि चलो बाहर चलें, खेलें कूदें? फिर आप क्या कहते हो उनको? मैं कहता मैं जाया नहीं चाहता घर पर। अच्छा, तो ये देखें आप, बच्चे ने छोटा सा हाथ में खिलौना भी पकड़ा हुआ है, ये इसे क्या कहते हैं? ये सेफल मारी है। अच्छा, तो ये किसने ला के दिया आपको? फरहान भाई ने। भाई ने ला के दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सी चीज़ शौक से खाते हो या कौन सी चीज़ खाने को दिल करता है? सारी चीज़ें, निम्को, पापड़, लेर, ये वो सब कुछ। अच्छा, तो स्कूल जाने को दिल करता है आपका? तभी गए नहीं हो स्कूल आप। अच्छा, तो मुझे आप ये बताओ कि आपसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, आपकी अम्मी या आपके अबू? सारे करते हैं। कोई आपको तंग तो नहीं करता, कोई मारता पीटता तो नहीं है? अभी आपकी सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है? आप ठीक हो जाओ, आपका इलाज हो जाए। मैं ठीक हो जाए मेरा, अल्लाह मुझे ठीक करते। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह पाक आपको ज़रूर ठीक करेगा। आप मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह ले रहे हो प्रॉपर? कहाँ से ले रहे हो? डॉक्टर से ले। तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं इसके हड्डियाँ ठीक होंगी। कहते हैं कि ठीक हो जाओगे आप? यहीं पे ठीक हो जाओगे या आपको भी बाहर जाना पड़ेगा किसी और मुल्क में? दवाई पी के हो जाओगे ठीक। अच्छा, मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि मैं इस बच्चे से थोड़ी सी जितनी हो सके गपशप लगा सकूँ। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये आप थोड़ी सी घर की आप कंडीशन देखिएगा, ये कैसे, किस जगह पे ये बच्चा रह रहा है। इसके आपके अब्बू क्या करते हैं एहसान? काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ढक्कन बनाते हैं। इसके जो वालिद साहब हैं वो ढक्कन बनाते हैं, और इनके जो घर के हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि प्रॉपर तरीके से इस बच्चे का इलाज करवाया जाए। अभी जो डॉक्टर हैं वो तो इस बच्चे को ये कहते हैं कि आप मेडिसिन लेते रहो, ठीक हो जाएगी।
तो अब मेडिसिन भी महंगी आती है। इसकी वालदा को मैं वैसे इधर बुलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो सामने आएँ कैमरे के और कुछ बताएं। इसान की वालदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे अब बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। आपका बेटा 1 साल के बाद अचानक से बीमार हुआ? हाँ जी, 1 साल का था, बिल्कुल ठीक था। 1 साल के बाद ये मसला बन गया इसके साथ। अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसे कौन सी बीमारी है? कुछ भी नहीं कहते, कहते हैं इनकी हड्डी बहुत कमज़ोर है, खुद पे खुद ही टूट जाती है हड्डियाँ, मुड़ गई ऐसे। आप देख रहे हैं इनका क्या हाल है, ये 8-9 साल हो गया ऐसे ही लेटा हुआ है। तो इसका आप प्रॉपर अच्छे से इलाज करवा रहे हैं? ब्रूफन दे रहे हैं, और तो कोई इलाज है ही नहीं इनका जो हो सके। क्या वजह, क्यों नहीं इलाज करवा रहे? वो हड्डी बताते हैं इनकी हड्डी ऐसी है, खुद ही टूट जाती है, सही मसला है इनका। कहीं ये तो नहीं कहते कि इस बच्चे की हड्डी कागजी हड्डी है? कागजी हड्डी है, हाँ जी यही कहते हैं। तो कौन से हॉस्पिटल से इसका इलाज करवा रहे? चिल्टन। अब नहीं करवा रही, शुरू करवा रही थी। तो अब आप इलाज क्यों नहीं करवा रही? अब ये हिल ही नहीं सकता, इसकी हड्डियाँ इतनी दुखती हैं ना, ये रक्षे में जा सकता, सफ़र नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ होती है। फोम का जो गद्दा है ना, वो इसके नीचे रखते हैं, गत्ता रखते हैं, फिर बड़े आराम से उठाना पड़ता है, तो मुझसे अब उठाया नहीं जाता, मैं खुद इसकी टेंशन में बीमार रहने लगी हूँ। अच्छा, इसान की आप वाला की आँखों को ज़रा गौर से देखें तो ये इनकी आँखों में आंसू आए हुए हैं। तो इसान के और बहन भाई भी हैं? एक ये बेटा, एक बड़ा है, इससे बड़ा है बस। तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर को यहीं पे बुला लिया करें? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ सकता, चिल्टन में ही है बस, जहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। वो भी उन्होंने बताया भी नहीं, ठीक नहीं हो सकते मुकम्मल तौर पे, जब चाहे हड्डी टूट गई ऐसे मुड़ गई, इसीलिए मैंने छोड़ दिया इसको, तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ रहा था। 1 साल तक मैं लगवाती रही इसको भी। ये तो ये जहाँ पे आपने एहसान को रखा हुआ है, यहाँ पे तो बड़ी शदीद गर्मी है, ऊपर से ये टीन की छत है आपकी, मजबूरी है, आप क्या करें, मजबूरी तो पता नहीं क्या क्या करवा देती है। कैसे गुजर बसर हो रही है, कैसे इलाज करवा रहे हैं? कैसे भी नहीं करवा ही नहीं रहे हम इलाज, ब्रूफन हड्डियाँ दुखती हैं, ब्रूफन का शरबत दे देते हैं बस। तो अब आप हमारे देखने वालों से क्या अपील करेंगे? यही करूँगी, कोई हमारी मदद करे, कोई सहारा करे, इसके पापा ने बहुत कर्जा देना है दुनिया का, तो हमारे सर पे छत भी नहीं है, आप देख ही रहे हैं हमारे हालात, ये भी हम कहीं बैठे आर्जी तौर पे बैठे हैं, तो ये कोई हमारी मदद करे बस, मेरे बच्चे के लिए कुछ करें। चार पाई पे ही सड़ गया ऐसे ही लेटा लेटा, मामा मैंने भी बाहर जाना है, मैं भी खेलूँगा, मैं 10 साल का होकर ठीक हो जाऊँगा, मैं रोने लग जाती हूँ, बच्चा है, अब क्या हौसला दूँ मैं कि ठीक हो जाएंगे आप। बच्चा है जी, इसका भी दिल करता है कि ये भी बाहर दोस्तों में जाए, उनके साथ खेले कूदे। ये एहसान, ये इसकी वालदा, ये इनका घर है, ये इनके घर के हालात हमने आपको दिखा दिए हैं, इनका हम साथ में नंबर दे रहे हैं, अगर आप लोग इनसे मिलना चाहते हैं, आप इस बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं या आप इस फैमिली के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप आएँ इनसे मिलें, इनके हालात देखें, उसके बाद अपनी आखिरत सवारने के लिए आप जितनी हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दुआ इस बच्चे के लिए, आपके लिए, अल्लाह हाफिज़।